हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड हम लोग सर्किल के थ्योरम्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? तो मैंने बताया था सर्किल के थ्योरम चार पार्ट में होंगे, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है? इससे पहले दो पार्ट का जो मैंने सॉल्व कर दिया, ऑलरेडी बता दिया है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा। अभी हम लोग देखेंगे रिजल्ट ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, और ये उन चारों सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है ना, इसी का है, क्योंकि इसका यूज काफी वाइड है। क्लास 9 में यूज तो मिलेगा ही, इसके आगे भी अगर आप कुछ भी करोगे, मतलब ज्योमेट्री जहां भी पढ़ोगे वहां पे इसका यूज तो मिलेगा ही, तो जरूर देखना, ठीक है? चार पांच थ्योरम ही है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लैंग्वेज थोड़ा कम लिखोगे, क्योंकि लैंग्वेज मेरे को लिखना पसंद नहीं है। लैंग्वेज तुम जब तक नहीं लिखोगे तो तुम सीखोगे कैसे? तो लैंग्वेज तुम लिखना, ठीक है? मैं भी लिखूंगा और मैं अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। शुरू करते हैं। यहां पे एक बात समझ लो, पहले कुछ चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक? देखो, कुछ बातों को समझे समझे पहले हम लोग। देखो, हमारा जो ये टॉपिक है जहां पे हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, वो है रिजल्ट्स ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स, आर्क या फिर कॉर्ड। देखो, एंगल आर्क सबटेंड करे या फिर कॉर्ड सबटेंड करे, बात एक ही होगी, क्योंकि हर एक आर्क का अपना कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है और हर एक कॉर्ड का अपना कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होता है, तो बात तो वही है, ठीक है? जैसे पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति होता ही है, एक ही होता है, तो वैसे ही हर एक कॉर्ड का अपना आर्क होगा, आर्क का अपना कॉर्ड होगा। अब समझो बात को, मैं एंगल सबटेंड करने की जो बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, समझो? अभी मैंने कॉर्ड खींचा, ठीक है? मैं कॉर्ड खींचता हूं, पहले देखो, एक कॉर्ड मैंने यहां पे खींच दिया, ठीक है? ये कॉर्ड खींचा, सर्किल का सेंटर यहां पे, देखो सेंटर यहां पे, सेंटर यहां पे, समझो बात को पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तुमको कंफ्यूज नहीं होना, तुमको सीखना है। तो एक मैंने कॉर्ड यहां पे खींचा, ठीक, या फिर आर्क बोलो तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आर्क हो गया। दूसरा मैंने कॉर्ड खींचा जो सेंटर से ही पास कर रहा है, और तीसरा मैंने कॉर्ड खींचा जो यहां से पास कर रहा है, ठीक? अब तुम बात समझो, ये तीनों कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में बांट रहा है ना, ये भी पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो ये जैसे यहां पे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ना, इसको पार्ट नहीं, सर्किल के लैंग्वेज में सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट छोटा वाला है एक नंबर का, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और दो नंबर का मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक? यहां पे एक नंबर और दो नंबर दोनों सेम है, क्योंकि सेमी सर्किल है। फिर यहां पे एक नंबर वाला मेजर सेगमेंट है, दो नंबर वाला माइनर सेगमेंट है। तुम ये समझ चुके हो, इसको मिटा देता हूं मैं। अब ये तुम समझ चुके हो सेगमेंट क्या होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट है, ठीक है? अगर मैं इस सेगमेंट में खड़ा हूं, अगर मैं इस सेगमेंट में खड़ा हूं और पूछूं कि इसका अल्टरनेट सेगमेंट किधर है, तुम कहोगे सामने, इधर वाला, ये इसका अल्टरनेट और ये इसका अल्टरनेट, एक दूसरे का अल्टरनेट होता है, ठीक है? तो अल्टरनेट के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्किल में लगभग जब भी कॉर्ड खींचेंगे तो दो ही सेगमेंट बनेगा, और वो एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट होता है। बात क्लियर है? अब एंगल सबटेंड कैसे करता है भाई, आर्क या फिर कॉर्ड एंगल सबटेंड? देखो, दो जगह पे एंगल सबटेंड करेगा ये, आर्क या फिर कॉर्ड जब भी एंगल सबटेंड करेगा दो जगह पे सबटेंड करेगा। कहां कहां पे? एक तो जैसे तुमसे कोई बोले कि भाई देखो ये आर्क या फिर कॉर्ड है, ये अपने अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कहां सबटेंड करेगा, तो अपने अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल यहां सबटेंड करेगा, ठीक है? और ये मतलब कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को मिला दो, वही एंगल सबटेंड करेगा। बात समझ पा रहे हो? और अगर पूछे कि ये सेंटर पे कैसे सबटेंड करेगा, तो सेंटर पे ऐसे सबटेंड करेगा। पहले मैटर समझ लो, थ्योरम तो पढ़ लेंगे दो मिनट में। यही कॉर्ड ए बी सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये अल्टरनेट सेगमेंट पे, कहां पे? अल्टरनेट सेगमेंट पे, याद रखना, ठीक है? हर जगह तुमको याद ये वर्ड देखने मिलेगा, अल्टरनेट सेगमेंट, ध्यान रखना। अगर तुमसे यहां पे पूछे कि भाई अब तू बीच से ही पास कर गया, बीच से ही पास कर गया, तो ये एंगल कहां पे सबटेंड करेगा, मैं बता दूंगा। देखो, मैं कहूंगा देखो ये, इसको पहले तुम इसके दोनों इन पॉइंट को सर्किल के किसी भी पॉइंट से मिला दो, ठीक है? यहां मिला दिया, ठीक। अब देखो मैं क्या कहूंगा कि देखो ये सर्किल के सर्कमफ्रेंस, मतलब क्या, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फिर ये सेंटर पे, ये कॉर्ड, देखो जब भी कॉर्ड मैंने खींचा, यहां कॉर्ड ए भी खींचा, ये सेंटर पे भी एंगल बनाता है और अल्टरनेट सेगमेंट भी बनाता है। अब बेचारे ये सेंटर पे कैसे बनाएगा, तो खुद ही सेंटर पे है, तो ये अपने पीछे एंगल बनाएगा, कहां बनाएगा, पीछे ऐसे बनाएगा। कॉर्ड पहले ऐसे था, देखो दो, ये कॉर्ड था, ये कॉर्ड था, ठीक है? ये बढ़ता चला गया, सेंटर पे आ गया, एंगल हमेशा पीछे बनेगा, ठीक है? अब चूंकि कॉर्ड ए बी के पीछे सेंटर है ही नहीं, यहां तो सेंटर है नहीं, तो कहां बनाएगा बेचारा, सेंटर तो आगे था, आगे बनाया,
इसके पीछे सेंटर है। ऑलराइट, अब ये इसको देखो, ये जो कॉर्ड है इसका भी मैं नाम देता हूं ए बी, ठीक है। अब ये बेचारा सेंटर पे एंगल कौन सा बनाएगा, तो ये चूंकि ये सेंटर से ऊपर जा चुका है तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो ये एंगल बनाएगा, ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल, ध्यान देना, ये बाहर से रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सेंटर से ऊपर उठेगा एंगल पीछे कॉर्ड के पीछे ही एंगल बनेगा, ठीक है। इस कॉर्ड के पीछे भाई सेंटर ही नहीं था, नहीं बनाया, ओके। और ये अल्टरनेट सेगमेंट पे एंगल कैसे बनाएगा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल ऐसे बनाएगा। तुम कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये एंगल बना अल्टरनेट सेगमेंट में और ये बना सेंटर पे, ठीक है, ध्यान देना तुम इस बात को। चलो मैं समझाता हूं तुमको थ्योरम क्या कहता है और इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। लैंग्वेज थोड़ा बहुत तुम भी लिखोगे, ठीक है, लैंग्वेज को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेन बात है समझने का। तुमसे क्या करें, क्वेश्चन पढ़ते समझते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मैंने क्या कहा कि आर्क एंगल सबटेंड करता है या फिर कॉर्ड सबटेंड करता है, बात एक ही है, क्योंकि जो आर्क है वहीं से कॉर्ड बनता है। ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट, जो रिमेनिंग पार्ट लिखा हुआ है मतलब क्या, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्किल। बात समझो, पहले मैं कॉर्ड ले ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में है और तुमको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यहां से उठाता हूं, यहां से और ऐसे, ठीक है, सही है, बताओ, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, कॉर्ड, सॉरी आर्क ले लिया, लिया आर्क, लेकिन मेरा काम तो करेगा कॉर्ड ही करेगा। अब इसके दोनों इन पॉइंट को मिला देता हूं, ये बेचारा बन जाएगा कॉर्ड, ठीक है, क्या होने, कॉर्ड बन गया। अब समझो कहां पे एंगल सबटेंड करना है, इस बात को समझो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर, ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, ये एंगल जो सबटेंड किया इसने, ये दुगुना होगा उस एंगल का जो रिमेनिंग किसी भी पार्ट में ये सबटेंड करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये रिमेनिंग पार्ट में ऐसे सबटेंड कर दिया, यहां पे सबटेंड कर दिया, ठीक है, कहीं भी करवा लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे लेता हूं सामने सामने ताकि देखने में अच्छा लगेगा, ठीक। अब मैटर समझो क्या है, मैटर समझो पहले, ये मेरा ए बी कॉर्ड था, बात आर्क की हो रही है, लेकिन ये आर्क सबटेंड करे एंगल, ये एंगल आर्क सबटेंड करे या कॉर्ड सबटेंड करे, बात तो एक ही है। ये एंगल हो गया, ठीक, और यहां पे ये एंगल हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो ए बी कॉर्ड था इसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया, ये एंगल दुगुना होगा उस एंगल का जो ये रिमेनिंग सेगमेंट में या रिमेनिंग पार्ट में या फिर अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब समझो बात को, प्रूफ बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, ऐसे मिला दिया, बाहर निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, अंदर बना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाम लिख देता हूं मैं, देखो मैं कहता हूं कि ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ओ, सेंटर, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, ठीक, मैं तुमको एक बात बताता हूं, मैं कहता हूं कि देखो इस एंगल को मैं मानता हूं ए, ठीक, और इस एंगल को मान लेता हूं बी। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं समझा रहा हूं, बस तुम लैंग्वेज लिखो, ठीक है, इतना लिखने आता होगा, नहीं तो फिर मैथ पढ़ना बेकार है। इस एंगल को माना क्या ए, और इसको क्या माना बी माना, ठीक। अब तुम एक बात बताओ मेरे को कि ये क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी या ए ओ सी, जो भी लिखो, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में ओ ए और ओ सी क्या है, ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस है, तो ये बराबर होगा, और जब बराबर होता है तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेल्स बनेगा, ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ सी इज आइसोसेल्स, और जब ट्रायंगल आइसोसेल्स होता है तो क्या होता है, उसका एंगल बराबर होता है, तो अगर ये एंगल ए हुआ, अगर ये एंगल ए हुआ तो यहां वाला एंगल भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है। सिमिलरली तो मैटर यहां पे समझ लो, लैंग्वेज तुम लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, मैटर समझ लो यहां पे। फिर ट्रायंगल में चलूंगा मैं, किसमें, इन ट्रायंगल ए, सॉरी बीओसी,
बी ओ सी, इस ट्रैंगल में ये वाला साइड और ये तो दोनों रेडियस ही है ना, तो मैं कहूँगा कि देखो यहाँ से ओ सी और ओ बी क्या है, बराबर है, इसलिए ट्रैंगल बी ओ सी इज आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स। तो जब ये आइसोस्केल्स है तो फिर यहां पे अगर तुमने इस एंगल को बी माना है तो यहां वाले एंगल में कितना होगा, बी होगा, होगा होगा। ऑलराइट, अब देखो, अब तुम एक बात बताओ कि यहां पे जो एंगल है, यहां पे ये जो एंगल है, ये इस ट्रायंगल का ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है, पूरा एंगल है इतना, देखो जितना मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है अभी, ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल नंबर वन का एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल नंबर वन का एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, तो अंदर का दो अपोजिट एंगल, मतलब क्या, इस एंगल का और इस एंगल का, तो ए और ए मिले कितना होगा यहां पे, टू ए होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहां पे देखो, ये जो एंगल है बाहर वाला ये जो एंगल है, ठीक, ये एंगल ट्रायंगल नंबर टू का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर पता ना एक्सटीरियर क्या होता है, तो ट्रायंगल ओ सी बी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अंदर के दो एंगल के, दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, कौन सा दो अपोजिट, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल बी, दोनों को ऐड करते कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। ठीक है, तुमको प्रूफ क्या करना था कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये दोगुना है इस एंगल का। ठीक है, अब तुम देखो जरा सा, अब तुम देखो नाउ प्रूफ क्या करना था ये देख लो जरा सा, मैं यहां पर लिख देता हूं टू प्रूव, प्रूव, ठीक है, प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे बन रहा है, ए ओ बी जो सेंटर पे ये कॉर्ड ए बी बना रहा है, ये इसका आधा होगा, मतलब ए सी बी का आधा होगा, नहीं दुगुना होगा, सॉरी दुगुना होगा, टू टाइम्स एंगल ए सी बी, ये प्रूफ करना था। ठीक ठीक, अब मैं चलता हूं, मैं कहता हूं देखो भाई, अब जो मेरे पास में एंगल ए ओ बी है ये कितना है, तो ए ओ बी ये पूरा एंगल दो चीज से मिलकर बना हुआ है, किससे, टू ए से और टू बी से मिलकर बना हुआ है, दो पार्ट में, तो मैं कहूंगा कि भाई ये टू ए और टू बी से मिलकर बना हुआ है, टू कॉमन लो यहां पे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी मतलब कौन सा एंगल, ए ये एंगल और बी दोनों को मिला दो तो ए प्लस बी बनेगा, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनेगा, ए सी बी, ए प्लस बी दोनों को मिला दो तो ए सी बी, टू टाइम्स इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, ए सी बी, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा मैंने खींचा है इसको क्योंकि पहला थ्योरम था और इसे बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी भी मैंने समझाया भी तुमको जो आगे काम में आने वाला है, मैटर समझ चुके हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो काफी, अब तो काफी आसान है, कुछ नहीं है, जो समझाने में समय लगा सो लगा। थ्योरम टू, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ऑल राइट, ये ट्रायंगल है, मेरे को सेमी सर्कल खींचना है, ठीक है, और प्रूफ करना है कि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, राइट एंगल का होता है। चलो मैं सेमी सर्कल खींचता हूं, ये सेमी सर्कल हुआ, हो गया, देखने से भी लग रहा सेमी सर्कल है। प्रूफ क्या करना है कि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, राइट एंगल। मैंने अभी तुमको जस्ट क्या समझाया था, देखो अभी समझाया था ना कि अगर मैंने क्या खींचा है, डायमीटर खींचा है, तो वो एंगल पीछे सबटेंड करेगा ऐसे। ओहो, तो ये मैं खींचा डायमीटर, नाम दिया इसका ए बी, अब सेमी सर्किल हो गया। अब यहां पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, 180 सबटेंड करेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ए ओ सेंटर हो गया और बी, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो यहां 180 होगा। ऑलराइट, अब तुमको प्रूफ क्या करना है कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। ठीक है, तो ये पहले इसको एंगल सबटेंड तो करने दो, इसको एंगल सबटेंड तो करने दो, तो बेचारा ए बी एंगल कहां पे सबटेंड करेगा, ऊपर सबटेंड करेगा, ऐसे यहां पे सबटेंड करेगा, कहीं भी सबटेंड कर सकता है, यहां पे करे, कहीं भी तुम करवा लो, राइट एंगल ही बनेगा। ठीक है, मैंने यहां पे सबटेंड करवाया है, ठीक, तुम कहीं भी करवाओ सबटेंड, कहीं भी, तो तुम्हारा मन है कि सर मैं यहां पे करवा लूं, ठीक है भाई कहीं करवा लो, ये भी 90 ही होगा, ये भी क्या होगा 90, कहीं करवा लो 90 ही होगा। तो अभी मैंने थ्योरम क्या पढ़ाया तुमको, ये तो इसको प्रूफ तो करना ही नहीं है, तो प्रूफ ऑलरेडी बस एक सेंटेंस लिख देना, प्रूफ हो जाएगा। मैंने तुमको अभी क्या पढ़ाया कि कोई कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करता है उसका आधा सबटेंड करता है अल्टरनेट सेगमेंट में। ठीक है, तो ए बी
का अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ, ये हुआ अल्टरनेट सेगमेंट। यहां पे ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, सॉरी यहां पे ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है यहां पे, तो ये जो एंगल होगा ये इसका आधा होगा, मैं इसको सी मान लेता हूं, ठीक है, तुम जानते हो, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं भाई, ये जो एंगल ए सी बी बना है ना, ये आधा होगा किसका, जो एंगल ए बी ने सेंटर पे सबटेंड किया है। अब किसने कितना सबटेंड किया है, इसने सबटेंड किया है आधा होगा, इसी भी क्या होगा आधा होगा, किसका आधा होगा, जितना इसे सबटेंड किया, कितना ए ओ बी सबटेंड किया है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये इसका दुगुना होगा, ये इसका आधा होगा, ये कहने का मतलब है 1/2, और ये सबटेंड किया 180, कितना होगा 90, बात को समझ रहे हो ना, ए बी मैंने खींचा, ठीक है, ये डायमीटर, क्योंकि क्या चाहिए था, सेमी सर्कल चाहिए था, ठीक है, ये पीछे एंगल सबटेंड किया कितना 180 सबटेंड किया। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये ए बी को लेके तुम जो भी ट्रायंगल बना लो, ए बी को लेके तुम जो भी ट्रायंगल बना लो, वो कहां पे होना चाहिए, अल्टरनेट सेगमेंट, मतलब सर्कल को टच करना चाहिए, वो हमेशा राइट एंगल ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो मैंने क्या किया कि ए बी के एक पॉइंट को यहां से यहां तक मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया, एक ट्रायंगल बन गया। अब मैंने क्या कहा कि देखो भाई, ये जो अभी मैंने पढ़ा है कि सेंटर से पास कर रहा है, तो यहां पे 180 सबटेंड करेगा, 180 एंगल बनाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाता है, ठीक। और यही ए बी यहां पे ये एंगल सबटेंड किया। अब ये थ्योरम पीछे वाला काम कर रहा है कि जितना जितना सबटेंड किया सेंटर पे, उसका आधा बनाएगा सेगमेंट पे। तो सेंटर पे कितना सबटेंड किया है, ए ओ बी सबटेंड किया है, उसका आधा बना रहा है यहां पे, तो ए ओ बी का हाफ कर दिया, 90 आ गया राइट एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि राइट ट्रायंगल में, मतलब सॉरी, सेमी सर्कल में तुम जब भी ट्रायंगल बनाओगे ना, सेमी सर्कल में डायमीटर को लेकर जब भी ट्रायंगल बनाओगे, हमेशा राइट ट्रायंगल ही बनेगा। थर्ड कन्वर्स है इसका, थ्योरम थ्री का, ये कन्वर्स थोड़ा सा अच्छा थ्योरम है, ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। थ्योरम नंबर थ्री, कन्वर्स ऑफ थ्योरम टू, द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखो बात को समझो, मेरी बात को, मेरे को क्या लेना है, ये तो बन नहीं पाएगा, ये तो गोल तो पूरा हो नहीं पाएगा, सॉरी पूरा गोल नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात, मैं हाथ से कर देता हूं, चलो कोई नहीं। देखो एक आर्क है, ठीक है, द आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग राइट एंगल एट एनी पॉइंट। मेरे को पता है कि राइट एंगल कौन बनाता है, सेमी सर्किल बनाता है, तो मैं ऐसा आर्क लूंगा जो सेमी सर्किल जैसा ही बने, ठीक है। अब हाथ से गोल तो जीभ में कट गया दांत यार, हाथ से बन ही नहीं पाता है गोल, क्या करूं, थोड़ा रुक जा भाई, थोड़ा सबर कर लो, ठीक है। ये पेन जो है ना, प्लास्टिक का पेन है, प्लास्टिक का ही ये लिखने वाला भी है, तो सही से हो ही नहीं पाता है, कोशिश कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा आगे पीछे भी चलेगा, कोई बात नहीं, लो हो गया, ठीक है, लगभग ठीक। ये है क्या, ये है आपका आर्क मैंने खींचा है, ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूं कि ये किसी भी पार्ट में 90 का एंगल सबटेंड कर रहा है, मैं 90 का सबटेंड करवा देता हूं इससे, ठीक है। द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट, बात समझ लो, ये खींचा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, ठीक है, सेंटर से ही पास करवाऊंगा, मेरे को पता है सेंटर से ही पास करेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलाऊंगा मैं, अभी तुमको समझाऊ तब मिलाऊंगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना का, 90 का, अपने अल्टरनेट सेगमेंट में, इस सेगमेंट में तो खींचा ही हुआ है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा, इसके बाद वाला सेगमेंट, क्या यार, देखो ये सबटेंड करेगा, यहां पे कहीं भी करवा ले, यहां पे करवा लेता हूं, देखो यहां पे करवा लिया, यहां पे करवा लिया, तो ये जो एंगल सबटेंड किया, ये एंगल किसने सबटेंड किया है, ये एंगल सबटेंड किया हमारे इस कॉर्ड आर्क ने, और ये 90 का एंगल सबटेंड किया, इस आर्क का मैं नाम देता हूं ए सी बी, ए सी बी आर्क है, इस 90 एंगल सबटेंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं देखो भाई,
आर्क से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं इसको मिला के बना लेता हूँ एक सेमी सर्किल, सॉरी मैं इसको मिला देता हूँ सेंटर से, इसको मिला दिया, ठीक है, पूरा नहीं, मैं डायमीटर नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर डायमीटर खींच दिया, ठीक है, अगर डायमीटर खींच दिया तो जो प्रूफ करना है वो तो प्रूफ ऑलरेडी हो जाएगा, अगर डायमीटर खींच दिया तो ये सेमी सर्किल हो ही जाएगा, मेरे को प्रूफ करना है कि सेमी सर्किल होगा, और अगर मैं पूरा डायमीटर खींच दूँ तो ये सेमी सर्किल तो हो ही जाएगा, तो पूरा डायमीटर नहीं खींचना है। मैंने ए से सेंटर को मिलाया, अब मैं बी से सेंटर को मिला रहा हूँ, होगा डायमीटर ही लेकिन मैं डायमीटर खींचूंगा नहीं, याद रखना। और तुम डायरेक्टली ए से बी को नहीं मैच कर सकते हो, क्योंकि अगर ए से बी को मैच करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन जब भी होगा जो सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर ही होगा। तो तुम क्या करोगे कि तुम इसको ओ मान लो, तुम नीचे ही ओ मान लो नीचे, और तुम क्या कहो कि ज्वाइन एओ एंड बीओ, बात समझो मेरी बात सुन लो तुम। मैंने क्या किया, एक सर्किल खींचा ए सी बी, मैंने एक आर्क लिया इस तरीके से कि सेमी सर्किल बने, क्योंकि प्रूफ तो सेमी सर्किल ही करना है, तो मैं लूंगा सेमी सर्किल लेकिन प्रूफ लेकिन बताऊंगा नहीं उसको। तो मैंने ए सी बी आधा सर्किल में आर्क खींच लिया, और मैंने कहा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 90 का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैंने पॉइंट डी पे 90 का एंगल सबटेंड करवा दिया उससे। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल कैसे प्रूफ होता है, सेमी सर्किल तब प्रूफ होगा जब तुम इसे पता दिखा दोगे कि इस ये जो ए ओ बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये डायमीटर है, और अगर डायमीटर है तो फिर सेमी सर्किल है। तो मैंने क्या कहा कि भाई देखो, तुमको डायरेक्टली ए ओ बी को एक साथ नहीं खींचना है, तुम ए को ओ से मैच करो बी को ओ से, क्योंकि मेरे को पता नहीं है अभी कि ये डायमीटर है, वही तो प्रूफ करना है, ठीक। अब समझो बात को, अब समझो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बात समझो कैसे प्रूफ करेंगे, आराम से प्रूफ करेंगे, टेंशन क्या है यार, मैथ की ऐसे की तैसी। देखो यहां से मैं ऐसे मिला देता हूं, मिला दिया, मिला दिया, ठीक। अभी हमारा ए ओ बी, अगर ये कॉर्ड होता या फिर अगर ये डायमीटर होता तो मैं कहता कि भाई यहां पे 90 है तो यहां 180, लेकिन नहीं, ये ए ओ बी मेरा ना कॉर्ड है ना डायमीटर है, एओ अलग है ओ बी अलग है, मैंने मिला दिया बस। तो मैं कहता हूं कि भाई मैं इस एंगल को ए बोलता हूं, इस एंगल को बी बोलता हूं, ठीक है, इस एंगल को ए बोलता हूं, इस एंगल को बी बोलता हूं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो भाई ये भी रेडियस ही है और ये भी क्या है, रेडियस है, तो ट्रायंगल नंबर वन जो तुम्हारा है ये क्या बन गया, आइसोस्केल, जो जस्ट बताया था पीछे, ये बन गया आइसोस्केल्स। तो ये एंगल ए है तो यहां भी एंगल कितना होगा, ए होगा। फिर इधर वाले एंगल को तुमने बी माना है, और ये भी तो ट्रायंगल नंबर टू जो तुम्हारा है ये भी तो आइसोस्केल्स है, क्योंकि ओडी और ओबी क्या है, आइसोस्केल्स, तो ये बी, तो यहां भी कितना हो जाएगा, बी। अब तुम मेरी बात को समझो गौर से, अब मैं ट्रायंगल वन का एक्सटीरियर बना रहा हूं यहां पे, ये क्या है, ट्रायंगल वन का एक्सटीरियर, ट्रायंगल वन का एक्सटीरियर। तो ट्रायंगल वन का जो एक्सटीरियर है ये दो इंटीरियर के बराबर होगा, तो ए और ए को जोड़ने पे कितना आएगा, टू ए, ये टू ए के बराबर होगा। ऐसे ही यहां पे जो ये एंगल मैंने खींचा है, ये एंगल क्या होगा, ये अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा, तो ये बी है तो ये भी बी, तो कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, ठीक। अब तुम मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ ये कर देना है, गौर से देखो, कोई ऐसे खींचा हुआ है, कोई ऐसे कुछ खींचा हुआ है ए ओ बी, अब तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, दिखा देंगे कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ये 180 का एंगल है, 180 का एंगल बना तो स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा सीधा बात है, क्योंकि अगर 180 नहीं बना तो स्ट्रेट लाइन, देखो यहां पे 180 नहीं बन रहा है, यहां पे आई थिंक 160 बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर 180 बनेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो प्रूफ यहां पे यही करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, मैं दिखा रहा हूं अभी, तो प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल बन रहा है, क्या करना, कोई बात नहीं, देखो यहां पे 2a था, 2a, ठीक, मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अब देखो यहां से a और b इस दोनों को ऐड करने पे कितना होगा, 90 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 90 का एंगल लिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 90 होगा। तो अगर a और b 90 होगा तो 2a और 2b कितना होगा, 2 into a plus b, a plus b 90 है तो 90, 180, ठीक है।
तो ये एंगल 2A और 2B मिलके पूरा कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि AOB जो एंगल है ये कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। सॉरी पहले यहाँ पे लिख दो तुम्हें एक बार कि जो एंगल AOB है ये 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B है, 2A प्लस 2B जो कितना आया, 180 आया। और चूंकि AOB एंगल 180 आ गया इसीलिए AOB इज ए स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू सेंटर्स। देखो सेंटर से मिलाने का ये कारण था कि सेंटर से इसलिए मैंने पास करवाया, क्यों, क्योंकि सेंटर से पास करेगा तभी तो डायमीटर बनेगा और तभी तो सेमी सर्किल होगा, तो सेंटर से पास करवा दिया था इसको ऑलरेडी मैंने। तो अब AOB इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक, इसीलिए AB इज डायमीटर, इसीलिए, ठीक है, ACB इज ए सेमी सर्किल, ACB इज ए, कुछ भी लिख दिया, चलो बात समझ में आ गई पूरा, ठीक है। यहाँ पे मेनली कंसेप्ट था, लैंग्वेज में पूरा भर के लिखते तो तुमको कुछ समझ में नहीं आता जब तक समझाता नहीं गौर से। अभी समझा दिया पूरा, हर एक पॉइंट समझा दिया, कैसे क्या प्रूफ करना है, क्यों प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, सारा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा लग रहा है थोड़ा बताओ कुछ कमेंट करके, ठीक है। मैंने तो अपने हिसाब से अच्छे से बताया है, अब तुमको कैसा लग रहा है मुझे ये पता चलना चाहिए, और तुमसे मेरी बात तो हो नहीं पाएगी तो कमेंट के थ्रू ही बताओगे, लेकिन बताना जरूर, ठीक है, जो भी लगा अच्छा बुरा कोई नहीं, सब चलेगा, लेकिन बताना। थ्योरम 4 देखो अपने हिसाब से, अगर सिर्फ लिख देने से काम चल जाए तो नेक्स्ट वीडियो से मैं पूरा का पूरा भर दूंगा पूरा स्क्रीन, ठीक है। लेकिन फिर ये तुम कहोगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर वहां पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है किताब में अगर लिखने से तुम समझ जाते तो तुम्हारा पूरा बुक जो मैथ का बुक है पूरा, हर एक पेज में कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है, पूरा भरा हुआ है पेज, तो तुमने क्यों नहीं समझा उसको, क्योंकि लिखा हुआ जो है ना उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना बोला हुआ समझाया हुआ होता है। तो अपने हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, बोल के काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज में तो लगातार बोलते जा रहा हूँ, तुम भी लिख सकते हो उसको, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट जो है ना लिखने से समझ में नहीं आएगा, बोलने से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये तो आसान है। एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है, एक ही सेगमेंट बनने, मैं बना देता हूँ एंगल, देखो मैंने कहा कि चलो यार इसको मिला देते हैं ऐसे। सेम सेगमेंट मतलब क्या हुआ कि इस कॉर्ड के बाद ये सेगमेंट में तुम कोई भी एंगल बना लो, ठीक है, जैसे यहां एंगल बनाया, अब तुम कहो कि मैं एक एंगल बनाता हूं ब्लू कलर से, बना लो भाई, तुमने एक एंगल यहां बना लिया, तुम कहीं बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कहीं बना लो कोई मतलब नहीं है। यहां पे तुमने बनाया है ये ब्लू वाला एंगल बनाया, यहां पे तुमने ये रेड वाला एंगल बनाया, ये एक ही सेगमेंट में बन रहा है, ये सारे के सारे एंगल जो है ना इक्वल ही होंगे। तो मेरा कॉर्ड है AB, सेंटर है मेरा O, और प्रूफ करना है कि यहां पे C और यहां पे D, तो प्रूफ मेरे को ये करना है कि एंगल C और एंगल D बराबर होगा, तो बराबर होगा ही, कैसे बराबर होगा प्रूफ कर देता हूं। देखो पहले तुम क्या करो कि जिस थ्योरम का हम यूज करेंगे उस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि जो कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका आधा सबटेंड करेगा वहां पे, तो पहले सेंटर से मिलाते हैं इसको, डॉट लाइन से आई थिंक अच्छा रहेगा, इसको मिला दिया सेंटर से, मिला दिया, ठीक। अब देखो हो गया काम खत्म है। अब अगर अगर यहां पे देखो बात को, अगर यहां पे एंगल बन रहा है 2A, अब तुम टू कहो सर 2A आपने क्यों लिया, मैं A ही क्यों लूं, तुम कहो सर आपने x क्यों लिया, आपने 2x क्यों लिया, भाई जब x लिया तो 2x भी ले सकता हूं, क्योंकि आधा करना है, तो 2x का आधा करेंगे तो x हो जाएगा, और x का आधा करेंगे तो x by 2 हो जाएगा, तो अच्छा फ्रैक्शन मेरे को पसंद नहीं है, मैंने मान लिया कि यहां पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 2a सबटेंड हो रहा है। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि जो कॉर्ड AB ने सेंटर पे 2a सबटेंड किया, ठीक है, वो इसका आधा सबटेंड करेगा जहां भी करे, तो 2a का आधा यहां पे सबटेंड करेगा, A सबटेंड करेगा, या फिर यहां पे सबटेंड करेगा तो यहां भी 2a का आधा सबटेंड करेगा,
तो यहां भी ए सबटेंड करेगा, एक ही तो बात है। अब ये जहां भी सबटेंड करेगा टू ए का आधा सबटेंड करेगा, तो टू ए का आधा यहां पे ए, यहां पे आधा ए, तो अब बताओ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, कहीं भी खींचो कुछ भी खींचो सेम सेगमेंट पे होना चाहिए, बराबर होगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, बस दो लाइन लिख देना, ठीक है। बुक से हिंट ले लो, लैंग्वेज तो लिखना है तो लिख लो, अगर लैंग्वेज लिखने नहीं आता है तो, अगर आता है तो खुद से ट्राई करो। आई थिंक दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक, यस। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रेटिक, चार पांच थ्योरम होगा, फिर टॉपिक खत्म, फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारा है। थ्योरम नंबर 5, थोड़ा सा टेक्निकली जो है ना ये काफी अच्छा थ्योरम है, यहाँ पे समझना पड़ेगा तुमको, थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, कंट्राडिक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, देन द फोर पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। अब मैं सर्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर्किल मैंने ऐसे खींच के रखा हुआ है, ठीक है, दिखाने के लिए। तुम सर्किल की बात मत करो, सर्किल की बात मत करो, ठीक है। मैं दिखा भी सकता हूँ लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, तो मैं खींच नहीं पाऊंगा सही तरीके से। सपोज ये सर्किल नहीं है, ठीक, मैं भी दिखा देता हूँ, देखो सर्किल की बात कर ले। ठीक, कह रहा है कि इफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, समझना बात को। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, जो दो पॉइंट, कौन सा दो पॉइंट, ए और बी को ज्वाइन करता है, ठीक है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में, या तो ऊपर नहीं तो नीचे किसी दो पॉइंट पे, कोई दो पॉइंट पे ले लेता हूं, मैं एक पॉइंट यहां पे ले लिया, मैं एक पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है, यहां पे ले लिया, चलो, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स पे अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है तो मैं इक्वल एंगल सबटेंड करवा देता हूं, ठीक है, यहां पे और फिर चलो इधर ही करवा देता, ठीक। अब मैंने कह दिया, देखो भाई यहां पे सी और डी, ये दो पॉइंट था जहां पे ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, देन द फोर पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, तो ये चारों पॉइंट मतलब ए बी सी डी कंसाइक्लिक होगा, सर्किल पे होगा। अभी मैं सर्किल को हटा रहा हूं, ठीक है, अभी सर्किल को यहां पे रखूंगा नहीं, मैं हटा देता हूं इसको ताकि तुम समझ सको अच्छे से, मैं सर्किल को हटा रहा हूं। अरे यार, हटेगा नहीं यार, सॉरी, रहने दो, कोई बात नहीं, चले दो। मेरे को प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट ए बी सी डी जो होगा कंसाइक्लिक होगा। मैंने सर्किल पे ही ड्रॉ किया, लेकिन सपोज को सर्किल नहीं है, क्योंकि बिना सर्किल का मैं ड्रॉ नहीं कर पाता, ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेना, काफी तेजी बोल दी। तो प्रूफ करना है भाई ये सर्किल पे ही ड्रॉ होगा, अभी जस्ट तुमने देखा है, अभी तुमने जस्ट देखा है, यहां पे देखो कि ए बी, ए बी क्या था, ए बी दो, ए बी दो पॉइंट था, सी और डी भी दो पॉइंट है जो सर्किल पे ही था, तो ये चारों पॉइंट को जब मिलाया गया तो ये चारों पॉइंट सर्किल पे ही, क्योंकि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो सर्किल पे ही होगा। ए, दो पॉइंट ए बी कहीं सी और डी पे एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल इक्वल है तो वो सर्किल पे था। यहां पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सर्किल की एंगल इक्वल है तो सर्किल पे ही होगा, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं कंट्राडिक्शन, ये तो अभी जस्ट प्रूफ किया, अभी जो क्वेश्चन मैंने तुमने देखा है थ्योरम नंबर 4 वही तो प्रूफ किया मैंने, लेकिन यहां पे कह रहा है कि नहीं आप इसको जस्टिफाई करो। तो मैं आप क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं कि ये कि मैं मान लेता हूं, ठीक है, सपोज कर लेता हूं, ठीक है, कि ये सर्किल के बाहर भी कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये इक्वल एंगल सबटेंड कर सकता है। थ्योरम क्या कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा तो वो सर्किल पे ही होगा। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ये कहीं दो जगह इक्वल एंगल सबटेंड करेगा तो वो दोनों एंगल, वो चारों पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट सर्किल पे ही होगा, ये तो सर्किल पे होगा ही, लेकिन मैं मान लेता हूं कि सर्किल से बाहर भी इक्वल एंगल सबटेंड कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं आगे, ठीक है, देखो थोड़ा आगे बढ़ा दिया इसको,
थोड़ा सा, ठीक, और इसको मिला देता हूं यहां पे, और मैं यहां पे कर देता हूं डी डैश, ठीक। इस पॉइंट क्या कर दिया, डी डैश कर दिया, और मैंने कह दिया कि ये भी जो एंगल बन रहा है ना, ये ही एंगल बराबर है, इस एंगल को क्या कर दिया, बराबर। देखो यहां पे मैंने इस एंगल को और इसको बराबर लिया, ये दोनों एंगल ए है, मैंने कहा ये पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल टेक अनदर पॉइंट, पॉइंट लिखते, पॉइंट होना चाहिए था, डी डैश आउटसाइड, ठीक है, और इनसाइड ऑफ सर्किल वेयर, जहां पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जहां पे एंगल ए डी डैश बी, ठीक है, यहां पे जो एंगल ए डी डैश बी, इसको भी मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया कि ये भी एंगल ए है, मैंने कहा ये भी कितना है ए, समझो बात को, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी कहीं दो पॉइंट पे इक्वल एंगल सब्टेंड करेगा तो वो सर्किल पे ही होगा, मैंने को बताया सर्किल पे ही होगा, लेकिन मैंने कहा कि मान लेता हूं मैं कि सर्किल के बाहर या अंदर, आउटसाइड या इनसाइड में कोई पॉइंट डी डैश है, मैंने बाहर ही ले लिया, ये पॉइंट ऐसा है कि ये भी एंगल उतना ही बनाता है, ये मैंने क्या लिख दिया, इफ पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा अगर पॉसिबल है तो मान लो कि एक पॉइंट डी डैश ऐसा है जो या तो अंदर नहीं तो बाहर है, और ये भी एंगल डी एंगल ए ही बना रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे एंगल ए लिया, इसलिए मैंने एंगल यहां पे लिखा, ये फिगर से रिलेटेड है, एंगल ए मैंने यहां पे लिया तो यहां भी लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि एंगल बराबर बना रहा है, मैंने बाहर करके भी ले लिया कि ये भी बराबर है। अच्छा ठीक है, अगर ये भी एंगल बराबर है तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बट एंगल ए बी डी, ए बी डी ये भी तो ए के बराबर है, गौर से देखना, मैंने कहा कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो मैं मान लेता हूं कि इसके अलावा भी एंगल जो सर, ये कह रहा है कि सर्किल पे ही हो, मैंने कहा सर्किल के बाहर भी ले लेता हूं मैं, और कह देता हूं कि क्या है ये भी बराबर है, तो मैंने ले तो लिया, लेकिन देखो अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, मैंने बाहर ले लिया एंगल, ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि देखो भाई आपने इस एंगल को तो ए ले लिया, लेकिन इसके साथ ये एंगल भी तो ए है, और इस दोनों एंगल में एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो गौर से देखो, तुम गौर से देखो, यूं समझो ये है सिचुएशन, यहां पे सिचुएशन यहां पे ये है, देखो बात को तुम समझो, सिचुएशन समझो, यही पार्ट है ना यहां पे, मैंने कहा कि ये एंगल भी ए है और ये एंगल भी ए है, अब भाई ये तो अंदर वाला तो ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल है आपका, और ट्रायंगल का ये जो एंगल है बाहर से, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर अपोजिट के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस दोनों के सम के बराबर ये होता है, बस समझना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, तो मैंने इस एंगल को भी ए मान लिया, बाहर वाले को भी और अंदर वाले को भी ए लेना पड़ गया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि बाहर भी ए बन सकता है अगर पॉसिबल है तो, लेकिन अब तुम देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, बट ए बी डी इक्वल टू ए इट इज नॉट पॉसिबल, अब मैं क्या लिखूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle cannot be equal to interior opposite angle, मैंने कह दिया कि भाई मैंने बाहर तो ले लिया, कह दिया कि ये भी बराबर हो सकता है, लेकिन अगर ये बराबर होगा तो फिर यहां पे क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, और एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर अपोजिट के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब जो तुमने माना है, जो तुमने कहा कि अगर पॉसिबल है तो ले लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सो
ये जो चार पॉइंट ABCDC है, ठीक है, जहां पे ये दोनों एंगल बराबर बन रहा है, ये हमेशा कंसाइक्लिक होंगे, ये बाहर नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि बाहर भी हो सकता है लेकिन बाहर नहीं हो सकता है। सो मैं यहां पे कह दूंगा, सो हेयर ए बी सी डी आर ऑलवेज कंसाइक्लिक इन दिस केस। बात समझ में आ गई? मैंने कह दिया कि यहां पे ए बी सी डी हमेशा कंसाइक्लिक होगा जब ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर इस एंगल को मैंने बाहर कर दिया तो फिर देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया, फिर ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब ये एंगल बाहर हो ही नहीं सकता है। मतलब ए बी सी डी जब भी जहां पे दो एंगल बराबर बनेगा तो हमेशा क्या होगा, ये कंसाइक्लिक ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज मेरा डिफरेंट हो सकता है बुक से, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही है। एग्जैक्टली कंसेप्ट जो है सो पूरा का पूरा यही है। तो आपने समझ लिया, मैंने लैंग्वेज काफी कम लिखा है, ठीक है, लैंग्वेज अब लैंग्वेज में कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैंने लैंग्वेज कम लिखा है लेकिन मैटर मैंने पूरा समझा दिया। लैंग्वेज थोड़ा सा बुक से देख लेना, ठीक है। तो यहां पे ये खत्म हो गया हमारा, मतलब क्या कहते हैं वो अल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल खत्म हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा थ्योरम का पार्ट बचा हुआ है, जहां पे पढ़ना है आपको क्या कहते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी सवाल और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके जरूर, ठीक है। कुछ ना कुछ मिस्टेक आई थिंक रह गया होगा क्योंकि मैं अपने पर पूरा कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। इवन जिसने बुक लिखा, मैंने देखा बहुत सारी कमियां उसमें भी है, और मैं तो भाई उनसे काफ़ी छोटा हूँ, तो मुझ में बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करना खुद से भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।